एक बार तुम ना उन रास्तों पर बिना किसी मकसद के चल के देखना, बिना किसी उम्मीद के। क्या पता रास्ते पे चलते चलते जिंदगी तुम्हें वो खूबसूरत तोहफा दे दे जिसकी तलाश में तुम बरसों से भटक रहे थे। क्योंकि तुम्हारा काम ना सिर्फ उड़ना है, आसमान कितना बड़ा है उसकी चिंता तुम मत करो। तुम उड़ो, हवा का रुख वो तय करेगा। हरिद्वार से देहरादून, देहरादून से चकराता, चकराता से मोहना, कोटी, म्योंडा और फाइनली हमारी आखिरी डेस्टिनेशन, हमारी इस ट्रिप की आखिरी डेस्टिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरी डेस्टिनेशन पर बीप क्यों आया? क्योंकि हिमांशी मैडम ने कहा है कि इस जगह को अभी रिवील नहीं करना है, तो उसी की वजह से आपको सस्पेंस में रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब यार इतना सब्र कर ही लिया है तो ये भी सही। और बाकी जगहों की तरह भी हमें यहाँ दो ही चीज़ें खींच लाई, वादियाँ और कहानियाँ। और ऐसी ही एक कहानी है उस जगह की जहाँ हम जाने वाले हैं। तो बने रहो वीडियो में और एंजॉय करो हमारे सुकून की तलाश के ट्रिप को। हिमांशी मैडम को भी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करना सिखा रहा हूँ। अब आप आगे आवाज़ सुनेंगे मिस हिमांशी की। So we are about to reach in our location, which is 5 km far from this place. तो ठीक है, फिर अभी दिखाते हैं। थोड़ा ऑफ रोड है बट हमारे पास यामाहा है तो हो जाएगा, क्योंकि ये बाइक हर जगह चल जाती है, हर जगह ऑफ रोड हो। एंड सॉरी फॉर हिज वॉइस बिकॉज वो किसी भी भाई से बात कर रहे हैं। संतोष रास्ता तो बहुत खूबसूरत से दिख ही रहा है। शोल्डर स्ट्रेच करना है, शोल्डर। ये ट्रिप थी तो सिर्फ चकराता की, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए होश भी उड़ते गए और हम भी। पंख तो तय नहीं पर हमारी एनर्जी उड़ान नहीं रुकी और बढ़ते गए। ये सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, इस सफ़र का एक अलग ही मज़ा है। दोनों तरफ पहाड़ हैं और इन पहाड़ों को चीरते हुए जाना है। अब कुछ भी हो जाए मंजिल पर जाकर ही ये उड़ान रुकेगी। एक बात बताओ, जीना है ज़िंदगी को? मैं तुम्हें ज़िंदगी के असली खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा, तो बने रहो मेरे साथ, साथ में ज़िंदगी जिएंगे। थिंक वो गेट है हमारे लोकेशन का, मुझे लग रहा है तो खुशी तो नेक्स्ट लेवल है। और आई थिंक अभी आप लोग भी एक्साइटेड हो जाओगे कि जाने के हम है कहाँ। ठीक है तो स्टे ट्यून्ड। और बाकी तुम्हारा चौथा में अगर रूम करवाना है तो मेरे दोस्त का है वहाँ पे कैंपिंग। अभी फिलहाल हम लोगों ने सामान यहाँ रख दिया इस दुकान पे, अब चल रहे हैं ऊपर मंदिर में यात्रा। मुझे पता है कि आप लोग एक्साइटेड हैं, बहुत से सवाल होंगे मन में कि न जाने कहाँ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मन में एक अलग ही धुन सवार थी कि क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन बस भोले के पास जा रहे थे तो सारे सवाल और सारे रास्ते बस एक ही बात बोल रहे थे, भोले। अभी शायद से अगर कोई यहाँ का या लोकल होगा, अगर हमारी YouTube वीडियोस देख रहा होगा तो शायद से उन्होंने फाइंड आउट कर लिया होगा कि ये कौन सा मंदिर है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लास्ट तक सस्पेंस बना के रखेंगे। मंदिर परिषद में कैमरा तो अलाउड था, पर मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल मना। हमने सोचा सही भी है, क्योंकि भगवान के दर्शन मोबाइल से किए तो क्या किया। तो आपको आना तो पड़ेगा, भोले को मन में बसा लो और चले आओ इन खूबसूरत वादियों में बसे शिव जी के मंदिर के दर्शन करने, जहाँ चारों तरफ शिवाय ही शिवाय हैं।
सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देव की तरफ से आपको आशीर्वाद है और हमारे पुजारी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। इस मंदिर की खोज गायनी की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। हम लोग आज मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, ये सब गाय माता की देन है। गाय माता के शरीर के अंदर 33 कोटि GB देवताओं का वास है, रूम रूम है। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतियों का है। आपने पार्वती माँ के छोटे पैर देखे हैं, कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी को उस पत्थर से लाते तपस्या कर 12,000 साल ये लाल रंग का शिवलिंग है। ये तीर्थायु का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई श्रीलंका पहुँचाई है। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए और सुयत बंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। यह शिवलिंग या तो सुयत बंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा या तो राखामंडल के प्रांगण में। ये पूरे भारत देश में और जगह ये शिवलिंग नहीं है। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए कुल बांधा था, ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, कृष्ण जी के टाइम। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1,25,000 शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है, उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद फिर पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटे की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, जिस बेटे की शादी में रोक लग जाती है, विलम्ब हो जाता है, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग बर्मा में आते हैं। 60-70 साल माँ का भी बेटा जिनकी शादियाँ नहीं होती, उनकी शादी की तैयारी 6 महीने के अंदर हो जाती है। अब आप लोग आगे माइक देती हैं। इस मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान में पैर के निशान के हर पत्थर पे मिलेंगे मंदिर के चारों तरफ ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। ये भैंसा जो है ये राक्षस है, महिषासुर राक्षस। इसने भैंस का रूप धारण किया, भगवान को खाने जा रहा था। माता जी समझ गई कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसको बंदी कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो इसको महिषासुर मर्दनी माँ कहते हैं। आप लोग यहाँ पे खड़े होना। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख महल बनाया था, लक्ष्यग्रह। हाँ। वो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ ये लाल है। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। अच्छा। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी। नीचे एक गुफा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सड़क पे, ठीक है। वो है पांडवों की दुंद गुफा, जिसको लोकल भाषा में दुंद ओडारी भी कहते हैं। विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई और उस गुफा से पांडव लोगों को बाहर निकाला। सुरंग में आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा,
उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई। उसके अंदर तीसरी सुरंग है वो आपकी केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग नहीं गए। अच्छा, अभी यहाँ से सरकार ने बंद कर दी, कौन सी जगह से पंडित जी? अच्छा, ये वाली राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उन्होंने अपनी बेटी और जवाई को यज्ञ में नहीं बुलाया, सती माँ को, शंकर जी को। सती माँ ने कहा, स्वामी जी मेरे पिताजी के राज में यज्ञ हो रहा है आपके लिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, यदि हम लोग वहाँ जाएंगे वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, ये परंपरा से चलते आया है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, भद्र, और त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, जय विजय। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पार। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये भगवान है, इसका हीरे मोती का मुकुट है, और ये राक्षस है, इसके खोपड़ी पे मुंडी है, ऊपर मुंडी। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। जो कोई हमारे 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, उनकी डेढ़ यहाँ लाते थे, पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे मंत्र द्वारा, उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। तो ये शक्ति थी यहाँ पर। ये जो है, ये हवन कुंड। अच्छा, हवन कुंड। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् पूर्वार्पमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षी महामृतात्। ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो। ये पार्वती माँ का रूप है, यहाँ पे नमन करो। हाँ, वहाँ से वापस हो जाओ आप।
आई थिंक गुफा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अंदर से आएगा और खा जाएगा। Isn't this horrible? सीधा चलूं, मुझे डर लग रही है। वही तो, और पूरी डार्कनेस। अभी भाई ये देखो कैंपटी फॉल का सुंदर नजारा। भीड़ यार आज कम है वहाँ पे, नहीं तो और दिन तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड में यार अभी पुलिस वालों ने मना कर दिया है ऊपर आने के लिए अपना मसूरी कैंपटी फॉल। जो लोकल्स हैं, लोकलाइड हैं, वो लोग आ रहे हैं, बाकी को सबको अभी ऊपर ज्यादा मना कर दिया है। बाकी देखो यार धूप अभी खिलखिला रखी है, बहुत ही अच्छी धूप आ रखी है। उधर जिस साइड से हम लोग आ रहे हैं लाखा मंडल से, उस साइड तो यार थोड़ा बादल हो गए थे, तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि तेज निकलना था। उधर थोड़ा यार बारिश का मौसम था, तो इस वजह से मैंने रोका भी नहीं उधर ना, तो डायरेक्ट यहाँ मसूरी आके रोकी है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा मेरे को वहाँ पे वो देख रहे हो बादल जाते हुए दिख रहे हैं, तो एक टाइम लैप्स बनाता हूँ वहाँ थोड़ा सा ऊपर जाके, वहीं मिलता हूँ। ठीक है बाय। भाई बहुत भूख लग रही थी तो सोचा रुक जाए यहाँ, और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से कैंपटी फॉल का। और यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर के दायरे में है कैंपटी फॉल। रेस्टोरेंट का नाम है मसूरी हिल्स फूड एंड बेवरेजेस। बहुत टेस्टी खाना है, हमने एक फ्राइड राइस और मोमो ऑर्डर किया था और दोनों ही टेस्टी हो रहे हैं। चलो करते हैं इसको फिनिश और फिर आगे बढ़ते हैं। अब मसूरी के रास्ते से जा रहे हैं और मसूरी में ना रुके, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत देर हो गई थी चलते चलते, तो सोचा क्यों ना रुका जाए और ऐसी जगह पर रुका जाए जहाँ से इस मौसम का दीदार भी होता रहे। तो हमने देखी ये जगह जो कि कैंपटी फॉल से कुछ आगे ही होगी, मसूरी हिल्स रेस्टोरेंट एंड कैफे। एक ऐसी जगह जहाँ रुक कर बैठ के इस जगह के सुंदर नज़ारे को देखने का कभी ना भुला देने वाला मौका मिला। तुम हो गए ठीक है, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। चलो भाई निकल चुके हैं अभी फिलहाल यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलना है, लेट भी बहुत हो चुका है, शाम तो नहीं हो रही है। आजकल जो मौसम है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और चक्कर क्या है कि पहाड़ों में थोड़ा ना धूप ज़्यादा देर तक रहती है, इतनी जल्दी नहीं जाती। तो भाई करते हैं गाड़ी स्टार्ट, और भाई खाना बड़ा अच्छा था, थोड़ा हम लोग पहले भी खा चुके थे, मतलब यहीं खाते हैं। यह है मसूरी हिल्स रेस्टोरेंट एंड कैफे, 8287691667। तो भाई कभी भी आओ तो यहाँ जरूर ट्राई करो एक बार, और बहुत अच्छा फूड है, फूडिंग्स, स्टाफ, सर्विस वगैरह सब कुछ अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनर थे, ऑनर से बात हुई हमारी, तो ऐसा लग रहा था कि उनसे मिलके ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि यार कहीं दूर से, वैसे हैं वो हमारे ही आस पास के अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, तो बात हुई तो बड़ा अच्छा लगा। अपने जब शहर के लोग मिलते हैं ना अपने गाँव के, तो बड़ा अच्छा फील होता है। बाकी अब कंटिन्यू करते हैं जर्नी, होप सो कि अच्छी रहे। मसूरी पहुँचेंगे, मसूरी पहुँचते हैं, मसूरी देखते हैं मसूरी में क्या हो रहा है हाल अभी, तो लेट्स गो। ये है मसूरी चौक, तगड़ी भीड़, और यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। This is way too much. जैसे लड़ के आ रही है, जाना है बस। जस्ट हम पहुँचे हैं घर पे, क्योंकि क्लास के लिए भी मुझे लेट हो रही थी, तो इसलिए मुझे मतलब हमने ज़्यादा वो नहीं किया, कुत्ता जैसे बैठा हुआ है और हमारे सर को डर लग गया था, कहते हैं साइड साइड से आना। ऑलराइट देन, खाते पीते हैं, बातें मिलते हैं, बाय बाय।